नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव के लिए जारी हुए नए शेड्यूल के बारे में। आखिरकार उस शेड्यूल पर फिर से एक बार ग्रहण लग गया है। ये जानते हैं कब से क्या कुछ होने वाला है पंचायत चुनाव को लेकर। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर गुरुवार को एक शेड्यूल सामने आया, इसमें पंचायत चुनाव के तारीखों की घोषणा की बात कही गई थी। आपको बता दें कि वह एक लेटर था जिसमें 20 सितंबर को पंचायत चुनाव की शुरुआत की बात कही गई थी। आपको बता दें कि 10 चरणों में चुनाव का पूरा कार्यक्रम जब लीक हुआ, उसके बाद हर तरफ इसकी खबर दिखने लगी। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सरकार को भेजा गया यह प्रस्ताव लीक होने से फजीहत का सामना करना पड़ रहा। आयोग की तरफ से जो प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया था, उसके अनुसार 20 अगस्त को अधिसूचना जारी होनी थी, लेकिन इससे पहले ही पूरा शेड्यूल लीक हो गया। अब इसकी वजह से आयोग और सरकार की किरकिरी हो रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर आयोग और सरकार के बड़े अधिकारी इसको लेकर छानबीन में जुटे हैं कि आखिर इतना गोपनीय प्रस्ताव लीक कैसे हो गया। आपको बता दें कि किसी भी चुनाव के तारीखों की घोषणा जब तक निर्वाचन आयोग या फिर राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करता है, तब तक यह आधिकारिक घोषणा नहीं मानी जाती है। लेकिन अधिसूचना जारी होने से पहले ही पूरा शेड्यूल लीक हो गया। आपको बता दें कि आयोग की तरफ से जो पत्र सरकार को भेजा गया था, उसमें बताया गया था कि पहले चरण का चुनाव 20 सितंबर को होना था, वहीं दूसरे चरण का चुनाव 24 सितंबर को होना है, जबकि तीसरे चरण का चुनाव 4 अक्टूबर को, चौथे चरण का चुनाव 8 अक्टूबर को कराना था, पांचवे चरण का जो चुनाव है वो 18 अक्टूबर को, और छठे चरण का चुनाव जो है वो 22 अक्टूबर को। इसके साथ सातवें चरण का जो चुनाव होगा वो 31 अक्टूबर को होना था, आठवें चरण का चुनाव 7 नवंबर को, नौवें चरण का चुनाव जो है वो 15 नवंबर को, और दसवें चरण या जो कि सबसे आखिरी चरण का चुनाव होगा वो 25 नवंबर को होना था। आयोग की तरफ से भेजे गए लेटर में यह भी कहा गया था कि हर चरण में 50 प्रखंड में मतदान कराने की भी तैयारी है। हालांकि इसका अंतिम निर्णय पंचायती राज विभाग में होना था, इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी और फिर राजभवन से इसकी सहमति के बाद अधिसूचना जो है आम लोगों के लिए जारी की जाती। लेकिन इन सभी प्रक्रिया से पहले ही पूरा प्रस्ताव लीक हो गया और सोशल मीडिया में यह बहुत तेजी से वायरल होने लगा, जिसके बाद से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। हालांकि इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की भी बात सामने आ रही है, लेकिन यह भी तय बताया जा रहा है कि वायरल लेटर में जो डेट फिक्स किया गया उसमें बदलाव होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प यह है कि सरकार जब पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करती है तो वायरल पत्र और सरकार के द्वारा जारी किए गए पत्र में कितना अंतर होता है और यह कितनी जल्दी जारी किया जाता है। आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव इस साल के शुरुआती महीने में होने थे, लेकिन कोरोना वायरस के दस्तक के बाद से चुनाव टल गया। इसके बाद जब प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी आई तो फिर प्रदेश में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। ऐसे में पहले से जो कयास लगाया जा रहा था कि उसमें कहा जा रहा था कि नवंबर तक पंचायत चुनाव करा लिया जाएगा, ऐसे में आयोग का जो लेटर वायरल हो रहा है उसमें भी इसी तरह की बात का जिक्र किया जा रहा है। आपको बता दें कि 20 अगस्त को आधिकारिक रूप से पंचायत चुनाव की घोषणा होने की बात कही जा रही थी, लेकिन लेटर वायरल होने के बाद से अब कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा।